हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट किए थे, इंटरव्यू सीरीज में हमने कॉलम के बारे में देखा, हमने कवर के बारे में देखा, एडमिक्सचर्स के बारे में देखा, मिक्स प्रोपोर्शंस के बारे में देखा। दोस्तों, ये सीरीज 4 है जिसमें हम लोग फाउंडेशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि इस फाउंडेशन के बारे में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग से पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो देखिए, फाउंडेशन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने एक पीपीटी के थ्रू आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज फाउंडेशन। इसके बाद पूछते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन, बेसिक डिजाइन प्रोसीजर्स, क्या क्या डिजाइन करने टाइम क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। व्हाट इज फाउंडेशन? सो अ फाउंडेशन इज द एलिमेंट ऑफ एन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर विच कनेक्ट इट टू the ground and transfer load from the structure to the ground. Means foundation जो है, वो foundation क्या करता है? substructure होता है। substructure क्या करता है? superstructure को के load को bear करके उसको transfer कर देता है ground पे। Okay, उसको transfer कर देता है ground पे। Now next is main objective of the foundation is to distribute total load coming on the structure on a larger area, बड़े एरिया के सारे लोड को ट्रांसफर कर देता है टू ग्राउंड पे। टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर, सपोर्ट भी करता है स्ट्रक्चर को। टू गिव इनफ स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर अगेंस्ट वेरियस डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्स सच एज बीम एंड रेन। ठीक है, फाउंडेशन को इतना ताकत देता है आपके बिल्डिंग को कि कोई रेन, जैसे पानी इकट्ठा हो गया, जिससे बारिश हो रही है, तो अगर पानी इकट्ठा हो गया उसकी वजह से कहीं हमारे बिल्डिंग को प्रॉब्लम न जाए। और जो विंड चलती है, जहाँ हर जगह की अपनी बेसिक विंड स्पीड होती है, पुणे की बेसिक स्पीड क्या है? 39 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिक विंड स्पीड आपके बिल्डिंग को अफेक्ट न करे, इसके लिए भी फाउंडेशन को मजबूत करके रखना चाहिए। टू प्रिपेयर अ सरफेस फॉर कंक्रीटिंग एंड मजनरी वर्क। ठीक है, उसको इस तरह इस लेवल पर ला देता है फाउंडेशन को, फाउंडेशन इस लेवल पर ला देता है कि आप उस पर मजनरी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इससे मजनरी वर्क कर सकते हैं। बेसिक डिजाइन प्रोसीजर्स कब करते हैं और क्या क्या इसमें चेक करते हैं, उसके बाद करते हैं। असेसमेंट ऑफ साइट कंडीशन एंड कंटेस्ट ऑफ साइट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, उसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो साइट है वो कैसा है, उसके बाद सॉइल का रिपोर्ट देखते हैं, सॉइल की बिल्डिंग कैपेसिटी देखते हैं। ये देखने के बाद कैलकुलेट स्ट्रक्चर लोडिंग, कितना लोड आने वाला है, ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद चूज द फाउंडेशन टाइप, आप कौन सा टाइप रखना है, कब रखना है। जैसे कि पहले हम लोग चेक करेंगे सॉइल कंडीशन, फिर हम लोग चेक करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर लोडिंग, लोडिंग कितना है, फिर देखेंगे कि हमारा बजट कितना है, इकोनॉमिक फैक्टर, फिर देखेंगे टाइम फैक्टर, मीन्स कितने टाइम में हमको कम्प्लीट कर देना है, और फिर कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम देख लेंगे कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, मटेरियल्स इजिली पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा, जो भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स, लेआउट सही से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो सारी प्रॉब्लम्स, डिजाइन प्रिपेयर है कि नहीं, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कौन सा डिजाइन करना है। जैसे कभी अगर मान लीजिए सॉइल बिल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो है, जैसे 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें आपको पता होना चाहिए, उसमें हम लोग फाइल फाउंडेशन करेंगे। अभी फाइल का भी दो टाइप है, आगे देखते हैं। साइजिंग द चोजन फाउंडेशन इज इन द कंटेस्ट ऑफ लोडिंग, ग्राउंड बियरिंग कैपेसिटी एंड likely future movement of the structure, future में कैसा movement हो सकता है, उसकी bearing capacity कितनी है, ये सब और loading देखने के बाद हम लोग decide कर लेते हैं कौन सा footing रखना है। अब footing decide हो गया तो हमें पता होना चाहिए कि depth कैसे हम लोग decide करेंगे कि depth कितना रखना है। There is a formula for depth, d equal to p by w 1 minus sin beta by 1 plus sin beta per square, p equal to same permissible pressure, W is a unit weight of the soil, and beta is the angle of response. Now next is foundation type. अब बहुत से लोग confused होते हैं foundation के types के बारे में। तो ये देखिए, आप foundation को दो type में divide किया गया है, shallow और deep। और यहाँ पे shallow foundation के दो type हैं, wall foundation और column foundation। पहले wall foundation ज़्यादा करते थे, क्योंकि पहले लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता था, और अभी कितना, अभी कौन सा होता है, फ्रेम बियरिंग स्ट्रक्चर होता था। फ्रेम बियरिंग मींस कॉलम वाला। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में कितने टाइप से, एक सिंपल होता था, एक स्टिफेड होता था, अभी भी करते हैं बट कम करते हैं, और कॉलम फुटिंग के अलग अलग है।
आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर, मैट और राफ फाउंडेशन। अब आइसोलेटेड के भी अलग अलग टाइप्स है, सिंपली, स्टीपेड, स्लोप्ड एंड कंबाइंड के भी रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपोजाइट, इस तरह के फुटिंग आजकल यूज कर रहे हैं। ओके, इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और एक बार याद कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल दूंगा, इससे आप इस पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। द मेन टू ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, सैलो एंड डीप, दो टाइप्स के मेन फाउंडेशन है। सम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, मतलब कुछ अलग सम टाइप लाइक कुछ एक्स्ट्रा फाउंडेशन है जिनके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ना जरूरी है, जैसे कि पैड फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन। अब चलिए इनके बारे में भी करके देखते हैं। अगर मैं बात करूँ सैलो, क्या होता है सैलो? डेप्थ इज लेस देन इट्स विड्थ, सीधा सीधा फंडा है। डेप्थ जो है ये लेस होना चाहिए किससे, इसके विड्थ से, बस ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द ओपन स्ट्रक्चर, इसको ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ट्रांसफर लोड टू द सॉइल वेरी नियर टू द सर्फेस, क्योंकि ज्यादा डीप नहीं जाते ना तो बहुत फास्ट से ही जाकर इसको ट्रांसफर करते हैं। डीप फाउंडेशन किसको बोलेंगे? Depth of foundation is greater than its width, इससे इसका depth बड़ा हो, और कितना बड़ा हो? हो इससे कम से कम 4 to 5 times बड़ा होना चाहिए, ठीक है? देखिए आप लिखा हुआ 4 to 5 times। Pad foundation के बारे में थोड़ा देखते हैं, ये सब टाइप है। तो suitable for most subsoil expect loose sand and loose gravel and hill areas, ऐसे जगहों पे जहाँ की soil loose है, loose gravels and loose hill areas। Construct the reinforced concrete square in plane, ठीक है, मतलब पूरा पूरा स्क्वायर में लाने की कोशिश करते हैं इसको। Isolated or pad foundation, इसके टाइप्स अलग है। फर्स्ट वन, सेकेंड इज स्टील ग्रिलेस, ये वाला स्टील ग्रिलेस है, ये आइसोलेटेड और पैड फाउंडेशन है। रेक्टेंगुलर पैड ये एंड कंबाइंड इज दिस वन, ये चार टाइप के अलग अलग पैड फाउंडेशन है। इसके बाद स्ट्रिपिंग फाउंडेशन, इसमें दो टाइप है, और इसमें दो चीजें हम ध्यान देते हैं। एक लाइट स्ट्रक्चर लोडिंग होना चाहिए, और उसके बाद सुटेबल फॉर द लूज दोज इनकाउंटर्ड इन लो एंड मीडियम राइज डोमेस्टिक डेवलिंग वेयर मास कंक्रीट, ढेर सारा कंक्रीट यूज कर सकते हैं, लोड कम आ रहा हो तो हम ऐसे जगह पे स्ट्रिप फाउंडेशन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन सबसे अच्छा फाउंडेशन मेरे अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इसमें लोड खुद अकेले एक मेंबर नहीं लेता, सारे मेंबर को ट्रांसफर कर देता है। यूज्ड टू सेपरेट द लोड of the structure over a large base reduced to the load per unit area, particularly useful where low bearing capacity of soil are encountered and where individual columns load are heavy. एक कॉलम का लोड हैवी है तो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। इसके दो टाइप है, पहला है सॉलिड स्लैब, सॉरी ये वाला है सॉलिड स्लैब, और ये बीम और स्लैब राउट, ये बीम और स्लैब राउट इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट है पाइल फाउंडेशन। अब पाइल आपको केवल एक ही तरह की पाइल पता है, लेकिन पाइल दो तरह की होती है, यहाँ से जाने के लिए फिक्स्टल पाइल्स एंड इनवेरिंग पाइल्स। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है दोनों में। हार्ड स्ट्रेटा आर अवेलेबल एट वेरी ग्रेट डेप्थ, हमें नहीं पता है कि कौन से पाइल को कितना नीचे लेके जाना पड़ेगा, उस केस में हम लोग को फ्रिक्शनल पाइल्स करना पड़ता है, जैसे देखिए। और अगर हमें पता है कि स्ट्रेटा हमारा फिक्स है, लाइक 10 मीटर जाने के बाद हमें फिक्स स्ट्रेटा मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इनवेरिंग पाइल्स करते हैं। याद रखिएगा दोनों में ही सबसे ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं इसको पीपीटी को आपको लिंक में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए इसको। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट मीन्स अगर हमने ये देखिए हमारे पास एक घर था, अगर हम लोग इसमें देखा कि अगर हमारे पास नीचे का सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी हमने अच्छे से किया और डिजाइन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती बिल्डिंग में। बट अगर हमने एक तरफ के सॉइल का कंडीशन नहीं चेक किया, केवल इधर का सॉइल कंडीशन चेक कर लिया और ये तो अच्छा था ये अच्छा नहीं था, तो क्या करेगा बिल्डिंग, इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे क्या कंडीशन पर आ जाएगा, इस कंडीशन पर आ जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे सॉइल लूज मिल रहा है और यहाँ पे हार्ड मिल रहा है, तो इसको तो ताकि ये तो इधर फेंकेगा ज्यादा से ज्यादा ताकत, जब इधर फेंकेगा तो इसका सेटलमेंट खराब हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा फाउंडेशन के बारे में। ये फाउंडेशन का हमने बेसिक टॉपिक्स कवर किया जो इंटरव्यू में ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे मैं वीडियो लाऊंगा फाउंडेशन पे, अभी नहीं लेकिन लाऊंगा, जिसमें हम लोग फाउंडेशन की मैनुअल डिजाइन भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।